गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो सबका सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैम रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला था 27 अगस्त को ही आने वाला था। तो होता कि एक जो एम्स के साइट पर ऑफिशियल साइट पर एक नोटिस आया था गाइस, कि जो मैंने से पिछले वीडियो में बना रखा था कि आप लोग रिक्वेस्ट पर कि मैम जल्दी से बताइए। तो गाइस यही मतलब उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो हम लोग का रिजल्ट होता है 27 का आने वाला था, और जो पैरामेडिकल का जो रिजल्ट होता है वो 28 अगस्त को आने वाला था। लेकिन होता है कि किसी कारणवश जो होता है कि मतलब उसमें डिले हो रहा है, तो वो रिजल्ट इस मंथ में ना आए, क्योंकि मंथ 2-3 दिन ही बाकी थे, तो अगले मंथ यानी सितंबर में आएगा। तो गैस ये जो कोरोना चल रहा है, इसमें जो भी दिक्कतें हो रही है, जो भी मतलब शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, देख रहे कि आप जो एग्ज़ाम होता है IIT एग्जाम, ये सब एग्जाम से रिलेटेड कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कि होगा कि नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें काउंसलिंग से मतलब सब कुछ से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आपका रिजल्ट थोड़ा डिले होगा। ये नहीं बोल सकते डिले मतलब डेट कितने तारीख तक आएगा, लेकिन हाँ इसी बता सकते हैं कि इस मंथ बोला गया तो शायद मे बी इस मंथ आ जाए, क्योंकि हम कन्फर्म तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमको भी इस बारे में आइडिया नहीं है। आप लोग की तरह हम भी न्यू हैं मतलब इस बारे में, क्योंकि होता है कि कुछ नोटिफिकेशन आता है तो ऑफिसियल साइट पर जाकर वो भी देख लेते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। तो गाइस ये चीज़ आपको बताना चाहेंगे, आप उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझे और अपने आप को पेशेंस बनाए रखें गाइस, क्योंकि हम जानते हैं, हम भी जानते हैं कि रिजल्ट आने का टाइम होता है कि बहुत ही एक्साइटमेंट होता है और डर भी लगता है कि रिजल्ट आएगा क्या होगा क्या होगा, ये सब कह सकते हैं, क्योंकि हम भी क्या स्टूडेंट है, आप लोगों को मतलब फीलिंग्स को समझ सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि हम बस बोल दिए, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मतलब होता है डर अलग से बैठ जाता है और मन में एक्साइटमेंट, क्योंकि शायद रिजल्ट आ जाए तो काउंसलिंग मतलब कॉलेज मिलेगा, तो वो अलग ही एक्साइटमेंट भी होता है, और डर तो अलग होता है कि रिजल्ट में क्या होगा। तो कैसे ऐसा कुछ नहीं, हम ये बस बोलना चाहेंगे कि आप पेशेंस बना के रखिए। उम्मीद है कि आप लोग को मतलब जो भी क्वेश्चन होता है मैं क्लियरिफाई कर रही होंगी। तो अगर ऐसे एक चीज़ और सवाल पूछना चाहेंगे कि हम मैं सोच रही थी अगले वीडियो में मतलब कुछ लाइव करने का, तो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप लोग लाइव जुड़ना चाहेंगे, और आप लोग जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो उस चीज़ को मैं डाउट है जो भी दूर करना चाहूँगी। तो उम्मीद है गाइस कि आप कमेंट करके बताएंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो भी क्वेश्चन है, जो तक मैं डिलेड अप्लाई कर मतलब रिप्लाई करती हूँ, तो उस चीज़ होता है कि एट द टाइम में आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा और आप लोग को भी ज़्यादा परेशानी मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो गाइस हम मैं भी सोच रही थी एक छोटा सा सेशन लेते हैं, लाइव सेशन। तो उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, तो आप लोगों को भी पसंद आएगा और आप लोग भी यूजफुल होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, उम्मीद है कि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।